नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कुशीनगर में प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा आईटीआई कॉलेज, युवाओं को टेक्निकल शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने व प्रशिक्षुओं को हाई टेक प्रशिक्षण देकर देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी करने के लिए तैयार किया जा सके, इसके लिए करोड़ों की लागत से जनपद में आधा दर्जन आईटीआई कॉलेज बने हैं, लेकिन इन कॉलेज में सुविधाओं का घोर अभाव एवं दुर्व्यवस्था बनी हुई है। किस ट्रेड से पढ़ाई कर रही हैं और आगे जो है क्या आपका उद्देश्य है? ऊपर सेट से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे हमको मतलब ये करके और सीटीआई करना। अच्छा, तो क्या आपको इस समय आप लोग आए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास में टीचर नहीं है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? क्लास में टीचर नहीं है बट कंप्यूटर पे थोड़ा मतलब डेस्कटॉप पे वगैरह मतलब कुछ काम करते हैं, प्रिंटिंग वंटिंग वगैरह मतलब ये सब, और क्या कुछ नहीं मतलब पढ़ाई वढ़ाई बुक के द्वारा पढ़ते हैं। और क्या अभी सर नहीं है तो मान लीजिए कि इसी के जरिए थोड़ा। गांव आपका कहाँ पड़ता है? धरनी पट्टी है। कितनी दूरी पड़ती है और कैसे आते हैं? यहाँ से 10-11 किलोमीटर है और बस या ऑटो से आते हैं। जनपद में आईटीआई कॉलेजों में तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि वहाँ रहने की शिक्षकों की कमी है और जो जो ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से जो है प्रशिक्षक नहीं है। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा, जनपद कुशीनगर में जैसा है कि यहाँ पे टीचर के पहले बार सबसे कम मतलब बहुत ही कम है। शॉर्टेज ये है कि अगर हमें यहाँ 200 शिक्षक की आवश्यकता है 6 गवर्नमेंट आईटीआई में तो मुश्किल से हमारे पास 35 ही हैं। 35 के आने से क्या हो रहा है कि कई टीचरों के पास कई सारे व्यवसाय को देख रहे कि जिससे कि कैसे भी करके हम बच्चों को प्रशिक्षण का काम पूरा करें और उनको कोई चीज़ की बाधा ना हो। हम ये चाहेंगे कि जनपद में जो शिक्षक की कमी है वो शासन स्तर से बातें हो रही हैं कि उसमें जैसे ही आएंगे पूर्ण कर लिए जाएंगे, तो ये एक थोड़ी सी परेशानी है हमारे जनपद में शिक्षकों की। बाकी और कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो प्रशिक्षण को लेकर कोई ऐसी दिक्कत हो जी। तमाम भवन बने हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि मानक के अनुरूप नहीं बना है, तमाम अभी आधे अधूरे हैं, रहने के आवास और सारी चीज कई सारी चीज़ें। हमारे जो भी आवास की बात है तो ज़्यादातर बन चुके हैं। एक हमारी आईटीआई है हाटा की, उसके जो आवास है अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, बन गए हैं, पर ये कि एक जो टाइप की आवास है वो बना नहीं है, बाकी सभी पूर्ण है और सभी रहने योग्य हैं और सभी लोग रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़। नमस्कार।